हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकिंग। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक्चुअली एक टेक रिलेटेड वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि हमारे जो इंडिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर हैं टेक्निकल गुरुजी, तो वो आज इस सक्सेस मुकाम पर पहुँचे कैसे, तो उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था जिसकी वजह से आज वो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक्निकल गुरुज ने अपना चैनल शुरू किया था अक्टूबर के महीने में और 2015 में, तो उस टाइम पे उनका पढ़ाई जस्ट ख़त्म ही हुआ था और पहले से उनको टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, तो उनको वैसा कुछ आइडियाज़ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके एक सीनियर थे जिनका चैनल अभी है शर्मा जी टेक्निकल के नाम पे, और उस टाइम पे उनके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे थे और वीडियोस व्यूज़ अच्छे आ रहे थे और बहुत ही पुराने थे वो। तो टेक्निकल गुरुजी ने उनसे बात किया और उन्होंने हाँ किया कि हाँ, तुम मेरे चैनल पे कुछ इंफॉर्मेशनल देने वाले वीडियोस डाल सकते हो। तो टेक्निकल गुरुजी ने अपना पहला वीडियो शर्मा जी के चैनल पर दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा चला था। तो उसी टाइम से टेक्निकल गुरुजी का YouTube में एंट्री आया, तो इसी तरह से उन्होंने अपना खुद का एक चैनल बना लिया टेक्निकल गुरुजी के नाम पे। लेकिन उनको चैनल को कुछ प्रमोशन मिल गया, जैसे कि उन्होंने पहला वीडियो शर्मा जी के चैनल पे डाला था, तो वहाँ से कुछ सब्सक्राइबर्स इकट्ठा हो गए और उनको चैनल शुरू करने में और कुछ मतलब इनिशियल सब्सक्राइबर्स गेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। फिर भी चैनल तो शुरू हो गया, लेकिन चलाना तो खुद को ही था। तो उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया दोस्तों, बिलीव नहीं करेंगे, तो मतलब दिन रात एक करके काम करते हैं। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि उनका कौन सा जो मतलब पर्सनालिटी है या ऐसा कुछ करेक्टर है जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो जो पहले नंबर पर आता है वो है हार्ड वर्किंग। दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी शुरू से ही बहुत ही मेहनती थे, तो उन्होंने जब शुरू किया मतलब यूट्यूब चैनल जब शुरू किया टेक्निकल का, तो उसी टाइम से वो डेली टेक न्यूज़ डाल रहे हैं। मतलब शाम को आपको जैसे ही मतलब शाम होगा तो आपको टेक न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, और सुबह वो एक मतलब कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी 3 साल कंप्लीट हो गया रिसेंटली, तो 3 साल में उन्होंने 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं और उनका व्यूज़ तो हजारों लाखों में जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं और जो मतलब व्यूअर्स देखना चाहते हैं उसी टाइप्स के वीडियोस बनाते हैं। तो वो डेली 2 वीडियोस अपलोड करते हैं, मतलब जिस सिचुएशन में भी वो होते हैं वीडियोज़ तो उन्हें डालना ही है, वो ऐसे ठान के चलते हैं। मतलब मेरे जानने में ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो कि दिन में 2-3 ऐसे वीडियो डालता रहता है, क्योंकि देखिए हम लोग इंसान हैं, हमारा कभी कभी तबीयत ख़राब होता है, मूड भी कभी नहीं होता है कि हाँ आज वीडियो नहीं बनाएंगे, आज ये प्रॉब्लम हो गया तो स्किप कर लेते हैं, कल बना लेंगे, तो वैसा हमारा मूड के हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूड नहीं देखा, तबीयत ख़राब होना नहीं देखा, वो सिर्फ उनका एक माइंडसेट था कि मुझे वीडियो जैसे भी डालना ही है, मतलब जो भी हो जाए मुझे डालना है। तो दोस्तों, और एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा, मतलब जो यूट्यूब का फैन फेस्ट होता है, तो उसी टाइम में टेक्निकल गुरुजी को बुलाया गया था, क्योंकि उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है व्यूअर्स है, तो उनको बुलाया गया था कि एक परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ पे, और उन्होंने एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस भी दिया था। तो उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, जब उनका परफॉर्मेंस आया नहीं था उसी टाइम पे, वो मतलब पूरा वरीड कुछ नहीं रहे, वो सीधा बैक स्टेज में जाके अपना टेक न्यूज़ बनाना शुरू कर लिया। तो उनका डेडिकेशन तो देखिए, मतलब परफॉर्मेंस है, और कोई होता तो बोलता हाँ मेरा आज यहाँ पे स्टेज शो था या परफॉर्मेंस था तो इसलिए मैं बना नहीं पाया, लेकिन उन्होंने वैसा बोला ही नहीं, उन्होंने बोला हाँ परफॉर्मेंस तो होगा ही होगा, मेरा व्यूअर्स को टेक न्यूज़ तो मैं ज़रूर ही दूंगा। तो इनका ये हार्ड वर्किंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब ऐसे ही उस मुकाम पर पहुँच गए, उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। मतलब वो दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही जगह से उनको बुलावा आता है और कुछ मतलब स्पीकिंग करने के लिए भी बोलते हैं लोग, मतलब इंस्टीट्यूशन में या कहाँ पे बुलाते हैं गेस्ट करके, फिर भी उसी से भी वो टाइम निकाल के
अपना व्यूअर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, तो इसी वजह से उनका आज 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गया है। और दोस्तों जो दूसरा रीज़न है उनका कंसिस्टेंसी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि वो बोलेंगे कि हाँ आज एक वीडियो हो गया, कल एक वीडियो और एक दो दिन बाद और एक डाल देंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मुझे दिन में 2 वीडियो डालना ही है, और वो कंसिस्टेंटली डालते ही रहे, यानी कि उनका ब्रेक नहीं है। मतलब 3 साल में मुझे जितना मालूम है उनका एक भी टेक न्यूज़ मिस नहीं हुआ है। मतलब उनका जो भी प्रॉब्लम हो सबको साइड में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब को उनको जितना टाइम देना देता है वो देते ही देते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी दिन होता है जहाँ पर वो 2 से 3 भी मतलब वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब पर, तो इसकी वजह से शायद उनका इतना सब्सक्राइबर्स हो गए आज। और दोस्तों होगा ही, देखिए आप अगर मेहनत करेंगे ना तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, एक ना एक दिन तो आपको सक्सेस मिलता ही रहेगा। दोस्तों और एक बात बताना चाहूँगा, देखिए अगर किसी का एक कॉमेडी चैनल है या रोस्ट चैनल है या वाइंस की चैनल है, तो उस चैनल को ग्रो करना थोड़ा बहुत तो आसान है, क्योंकि आजकल के लोग एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि कुछ टेक्निकल वीडियोस अपलोड करेंगे आप तो ज़्यादातर लोग देखते नहीं, कुछ मतलब नीच सेगमेंट है, मतलब पर्टिकुलर्स कुछ व्यूअर्स हैं जो कि टेक वीडियोज़ ही देखते हैं, मतलब उनको टेक की तरफ इंटरेस्ट है इसलिए देखते हैं। तो लेकिन कॉमेडी वीडियोज या वाइंस या आप बोल सकते हैं रोस्ट वीडियोज़, तो ये सब देखना पसंद करते हैं, तो उसी सेगमेंट में ग्रो करना बहुत ही आसान है। लेकिन टेक्नोलॉजी के फील्ड में वीडियोज डाल के इतना 1 करोड़ पहुंचना मुझे तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। तो उन्होंने ऐसा कर लिया, तो हमारे से भी ये नामुमकिन नहीं है, हम भी चाहे तो पहुंच सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा दिन रात एक करके, और अच्छा कंटेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि यूजर्स को अच्छा लगेगा तो आपका वीडियो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो को डालने का मेरा मेन मकसद यही था कि हम लोग जो अभी नए यूट्यूबर्स हैं, हम सबको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और उसे कंसिस्टेंट रखेंगे और पूरा दिन रात मेहनत करके मतलब उससे जुड़े होके रहेंगे, तो आप एक ना एक दिन तो सक्सेस बन के ही रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो कुछ थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का था, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और उस घंटी बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद।